आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। 2023 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं और इसने टच किया 1 लाख कार सेल्स का माइलस्टोन, फास्टेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे तेज यूनिट्स इसी कार के बिके हैं। तो देखते हैं इस कार में ऐसा क्या खास है जो ये इतना बिक रही है। और आज हमारे पास इसका बेस मॉडल है सिग्मा, सिर्फ पेट्रोल में आती है और रेंज शुरू होती है 7,51,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 13 लाख रुपीज़। और ये बेस मॉडल सिग्मा आप देख रहे हैं जिसकी कीमत 7,51,000 रुपीज़ है और इसको आप 17,000 रुपीज़ से मंथली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अहमदाबाद में असेंबली होती है फ्रॉन्क्स की। ये फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी है, सुजुकी के हैचटैक बी प्लेटफॉर्म पर बनी है फ्रॉन्क्स, जिस पर बलेनो, इग्निस, स्विफ्ट, डिजायर, सेलेरियो, वैगनर, एस्प्रेसो और अल्टो का टेन्यू बनी है। नेक्सा की सिग्नेचर क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिजाइन लैंग्वेज है। इंग्लिश वर्ड फ्रंटायर नेक्स का मिक्स है फ्रॉन्क्स। यंग जनरेशन के लिए बनाई है सुजुकी ने फ्रॉन्क्स को, जिन्हें एसयूवी डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और टेक फीचर्स पसंद हैं। ये पार्किंग लाइट्स और इंडिकेटर्स, और ये प्रोजेक्ट हैलोजन हेडलैम्प्स, और ये नेक्स्ट वेव ग्रिल क्रोम फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो, टोइंग हुक, सिल्वर स्किड प्लेट और कुछ ऐसी लगती है फ्रॉन्क्स सामने से। दो वाइपर्स मिल जाते हैं वॉशर के साथ। फोर मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है, 4.9 मीटर टर्निंग रेडियस है, 1000 kg कर्व वेट है, 1500 kg ग्रॉस वेट है और 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है फ्रॉन्क्स का। एरोडायनेमिक एसयूवी डिजाइन है और ये नेक्सा ग्रे कलर आप देख रहे हैं, व्हाइट, ब्लू, ब्राउन, रेड और सिल्वर कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ड्यूअल टोन में ब्लैक रूफ कलर का ही ऑप्शन मिलेगा। आगे मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिलेंगे। कूप टाइप रियर डिजाइन है। हाई डेंस स्टाइल स्टील से बनी सुजुकी टैक्ट बॉडी है। यूवी कट विंडो ग्लासेस है। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल रोल असिस्ट, रिवर पार्किंग सेंसर्स, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, कीलेस एंट्री और 3.ELR सीट बेल्ट्स मिलेंगे प्रिंट एडिशनल और 4 सिलीमीटर के साथ। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और ये हैं 16 इंच के स्टील रिम व्हील्स। 16 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे पीछे 195/60R16 ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलेंगे। व्हील कवर के बीच में हमें सुजुकी का लोगो मिल जाता है। आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फेंडर पर इंडिकेटर मिल जाता है बेस मॉडल फ्रॉन्क्स में और ये मैनुअली एडजस्टेबल मैनुअल फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स हैं। फ्रंट ग्लास पर हमें CNG का स्टिकर मिल जाता है और ये है नेक्सा सिग्नेचर कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टेल लैम्प टर्न इंडिकेटर के साथ। रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर्स, सुजुकी का लोगो, नेक्सा का स्टिकर, डिफॉगर मिल जाता है बेस मॉडल से ही रियर ग्लास पर, रियर ग्लास पर भी CNG का स्टिकर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, फ्रॉन्क्स की बैजिंग, सिल्वर स्किड प्लेट, टोइंग हुक, एग्जॉस्ट टेल पाइप, रूफ रेल्स। आइए पीछे पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ स्पीकर्स के लिए स्पेस मिल जाता है, कुछ स्पेस जैसे बोतल होल्डर, सॉफ्ट फैब्रिक डोर आर्म रेस्ट, यहाँ पर भी कुछ स्पेस, पावर विंडोज के बटन, ब्लैक डोर ओपन हैंडल और कुछ ऐसी पैसेंजर साइड सीट्स मिल जाती हैं हमें फ्रॉन्क्स में। ड्यूअल टोन फैब्रिक अपॉस्ट्री मिल जाती है हमें फ्रॉन्क्स में। पीछे के पैसेंजर साइड तीनों ही सीट्स पर हमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है जो कि हमें मारुति की मोस्टली गाड़ियों में देखने को मिल जाता है।
आइए बैठ कर स्पेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इतना स्पेस देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट हैंडल बार हुक के साथ, इधर भी सॉफ्ट हैंडल बार, कैबिन रीडिंग लाइट, नीचे हमें कुछ स्पेस मिल जाता है, ये 12 वोल्ट का पोर्ट, नीचे थोड़ा स्पेस, यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाता है, और कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड पीछे से। आइए बूट खोल कर देखते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी ठीक ठाक सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें स्फीयर व्हील और सीएनजी टैंक से ही काफ़ी स्पेस एंगेज हो जाता है, तो आप एडजस्ट करके रख सकते हो अपने लगेज बूट में। तो इसमें हमें 55 kg की सीएनजी टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, साथ ही 37 लीटर की पेट्रोल फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ आपको टूलकिट मिल जाती है, और स्पेयर व्हील जो कि ऑब्वियसली हमें स्टील रिम देखने को मिलेगा। आइए कोपैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ ब्लैक डोर हैंडल हमें मिल जाता है, यहाँ पर हमें स्पीकर्स के लिए स्पेस मिल जाता है, काफ़ी स्पेस, जैसे बोतल होल्डर, फैब्रिक डोर आर्म रेस्ट, कुछ स्पेस, पावर विंडो के बटन, ब्लैक डोर हैंडल, और कुछ ऐसे इंटीरियर हमें कोपैसेंजर साइड से देखने को मिल जाता है। भाई ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। ड्राइवर साइड डोर पर भी हमें ब्लैक डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन पावर विंडोज मिलेंगी एंटी पिंच के साथ, स्पीकर्स के लिए स्पेस, यहाँ कुछ स्पेस जैसे बोतल होल्डर, ये फैब्रिक डोर आर्म रेस्ट, कुछ स्पेस, और ये हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक बटन्स, ब्लैक डोर हैंडल, और कुछ ऐसे इंटीरियर हमें देखने को मिल जाता है फ्रॉक्स में। यहाँ हमें पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, और ये बोनट और फ्यूल लिड खोलने के लीवर्स, तो यहाँ से हम पेट्रोल और सीएनजी टैंक फिल करवा सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और ये ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन, पेट्रोल टू सीएनजी शिफ्ट बटन, हेडलाइट लेवलर, ड्राइवर साइड एसी वेंट, और यहाँ से हम मैनुअल की लगा सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिंग मिल जाती है, और कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पर हमें कुछ स्पेस मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में 5-speed मैनुअल और 5-speed AGS और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेंगे। 2 कप होल्डर, आगे थोड़ा स्पेस, 12 वोल्ट का पोर्ट, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, डिजिटल डिस्प्ले के साथ, और कुछ ऐसा टेक्सचर देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर। 2 AC वेंट्स, हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ बटन, बेस मॉडल में हमें स्टीरियो नहीं मिलता, कोपैसेंजर साइड हैंडल बार, कोपैसेंजर साइड सनशेड, मैनुअल डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, ड्राइवर साइड सनशेड, को
स्कोप है, सेंसर साइड एसी वेंट, एयरबैग की वेजिंग, ग्लव बॉक्स, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस, और ये है डी कट स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील पर हमें कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता। बीच में सुजुकी के लोगो और एयरबैग की बैजिंग और ये वाइपर के कंट्रोल और ये लाइट के कंट्रोल और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टीएफटी डिस्प्ले के साथ, जो देखा गया किलोमीटर्स, आरपीएम, स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, ट्रिप्स और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आइए बोनट खोलकर देखते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये 1200 सीसी एन लाइन 4 सिलेंडर ड्यूअल जेट ड्यूअल वीवीटी सुजुकी K12 पेट्रोल इंजन। इसमें हमें 76 हॉर्स पावर मिलेगी और 98 एनएम टॉर्क मिलेगा, 28.51 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, 55 केजी के सीएनजी फ्यूल टैंक से और 37 लीटर के पेट्रोल टैंक से। और एक और इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि है 1000 सीसी एल लाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज बूस्टर जेट सुजुकी K10C पेट्रोल इंजन, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन और टर्बोचार्ज, जिसमें 98 हॉर्स पावर है और 47 एनएम टॉर्क है, 21 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, 20 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, 37 लीटर फ्यूल टैंक से। ये इंजन बलेनो, स्विफ्ट, विटारा, SX4 और S-Cross में भी यूज होता है। तो ये था सुजुकी K10 पेट्रोल इंजन। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी फ्रॉग्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप गुना मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कार परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।